हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवूज किचन। चलिए तो आज अपने किचन में बना रहे हैं हम केसर ड्राई फ्रूट मिल्क शेक। मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने गैस पे यहाँ एक बर्तन ले लिया था, उसमें डाला है सबसे पहले थोड़ा सा पानी। पानी इसलिए लिया है ताकि जब हम दूध को उबालें तो दूध हमारा तले में ना लगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1 किलो फुल फैट दूध, जिसको मैंने धीमी धीमी आँच पे उबलने के लिए चढ़ा दिया है। देखिए, दूध हमारा धीमी धीमी आँच पे उबलता रहेगा। दूध को हमें इतना उबालना है कि हमारा दूध एक गाढ़ा और क्रीमी टेक्सचर में आ जाए। लगभग ये समझ लीजिए कि 100% में से 80% दूध हमारा रह जाए, बस इतना हमें उबालना है। यहाँ पे जैसे दूध हमारा उबलने पे आ चुका था, मैंने ले लिया है केसर। अब केसर वाला दूध बना रहे हैं, जो जाहिर बात है केसर तो इसमें सबसे पहले जाएगा। तो मैंने थोड़ा सा दूध गर्म होने पे इसमें डाल दी थी केसर और केसर को भिगोने के लिए रख दिया था। साथ ही मैंने यहाँ पे 1/4 कप दूध और ले लिया था, जिसमें हम घोलेंगे अपना कस्टर्ड पाउडर एक गाढ़ेपन के लिए। दोनों तरफ दूध को रखने के बाद मैंने यहाँ पे धीरे धीरे दूध को उबाला है और ये देखिए, दूध हमारा बहुत अच्छी तरह उबल चुका है। दूध में अच्छी तरह से उबाल आने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अपनी चीनी। तो चीनी आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग कम भी ले सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालें। तो चीनी डालने के बाद जब चीनी अच्छी तरह घुल चुकी थी, तो जो केसर वाला दूध मैंने भिगोया था ना, उस दूध को मैंने अब दूध में मिला दिया है। केसर वाला दूध मिलाने के बाद अब हम दूध को और अच्छी तरह और उबालेंगे ताकि दूध हमारा अभी और पक जाए। दूध को पकाने के बाद इसमें डाले हैं थोड़े से कटे हुए बादाम, साथ ही थोड़े से कटे हुए काजू, और इसमें डालूंगी मैं थोड़े से कटे हुए पिस्ते की कतरन। सभी ड्राई फ्रूट को डालने के बाद इसको हम एक उबाल आने तक और पकाएंगे। चलिए तो इसको और अच्छी तरह से एक उबाल आने तक और पका लेते हैं। और ये देखिए, दूध हमारा उबलते उबलते कितनी अच्छे कलर और टेक्सचर में आ रहा है धीरे धीरे। मिल्क शेक के लिए यही ज़रूरी होता है कि हम दूध को बहुत ही अच्छी तरह से पकाएं ताकि दूध हमारा गाढ़ा हो जाए, तभी हमें बाजार जैसा टेस्ट आएगा अपने मिल्क शेक में। दूध पकाने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ कस्टर्ड पाउडर। मैंने यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया था। मैंने ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि ऑलरेडी दूध हमारा पकते पकते ही बहुत गाढ़ा हो चुका था, बट क्रीमी टेक्सचर के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा, बस 1 बड़ा चम्मच ही कस्टर्ड पाउडर डाला है, जिसको मैंने घोल के ना थोड़ा थोड़ा करके, ये देखिए, मैं 2 से 3 बार अपने दूध में इसको मिक्स करूँगी और आने दूँगी अपने दूध में फिर से धीमी धीमी आँच पे एक अच्छा सा उबाल। और ये देखिए, दूध हमारा पकते पकते, मैं आपको दिखा रही थी कि पैन में इतना दूध था और इतना रह गया है इसको पकाते पकाते। अब हम कर लेंगे गैस को ऑफ और दूध को चलाते हुए थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। ये देखिए, दूध हमारा कितना अच्छा, मैं चमचे में दिखा रही थी आपको, कितने अच्छे टेक्सचर पे आया है, एकदम गाढ़ा गाढ़ा। धीरे धीरे दूध हमारा जैसे ही ठंडा होगा, थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारा एकदम ठंडा ठंडा चिल्ड वाला दूध पीने के लिए तैयार हो जाए। दूध को फ्रिज में से थोड़ी देर बाद निकालने के बाद मैंने इसको कर लिया है गार्निश। यहाँ पे थोड़े से डाले हैं कटे हुए बादाम, थोड़ा सा पिस्ता, और साथ ही ऊपर से डाला है थोड़ा सा केसर वाला दूध केसर के साथ। और ये लीजिए, हमारा ठंडा ठंडा रिच और टेस्टी क्रीमी टेक्सचर वाला केसर ड्राई फ्रूट मिल्क शेक होता है बनके तैयार। तो आपको ये हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमें बहुत अच्छा लगता है आपके साथ ऐसे अच्छी अच्छी रेसिपीज़ को शेयर करना। मिलेंगे आगे अच्छी एक नई और रेसिपी पर।